नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार और आप सभी को हमारे YouTube चैनल RKS धमाका में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज हमारे साथ है बंटी और आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी स्पेशल और ख़ास होने वाला है क्योंकि आज काफ़ी स्पेशल डे है। आज सावन का पहला सोमवारी है तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हमारे पीछे देख सकते हैं ये है रजरप्पा धाम और आज आपको दिखाएंगे कि रजरप्पा धाम के मंदिरों में किस प्रकार की भीड़ लगी हुई है, सारा कुछ आगे आपको देखने को मिलेगी वीडियो पे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और साथ ही हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमारे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है और ये रजरप्पा का टॉप व्यू पॉइंट है क्योंकि यहाँ से पूरे रजरप्पा का कैप्चर होता है, देख सकते हैं काफ़ी मस्त नज़ारा है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। सो गाइस, फाइनली रजरप्पा पहुँच चुके हैं और इधर है मेरे एक दोस्त, दिखाते हैं। यह है मुकेश, जो कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है MK रजरप्पा ब्लॉग, जो कि रजरप्पा से रिलेटेड वीडियो डालते हैं अपने चैनल पर। तो इन्हें भी सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए आप लोग और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम लोग कुछ कर सकें आगे, है ना। आप लोग के सहयोग के बिना करना नामुमकिन है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें। और आप लोग रजरप्पा पहुंचते हैं, मनिहारे के दुकान है सिंगार स्टोर, दुकान का नाम जरूर एक बार आए दुकान सिंगार स्टोर, कुशवाहा सिंगार स्टोर। लोकेशन भी बता दीजिए, जस्ट बोल के ऊपर चघान में चितरपुर साइड वाला में। चलिए आप लोग अगर आए, कभी भी रजरप्पा अगर आते हैं तो यहाँ एक बार आप लोग जरूर पहुँचिए भैया के दुकान पर, यानी हमारे दोस्त के दुकान पर। MK रजरप्पा ब्लॉग भूलिएगा मत, याद करके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। सो गाइस चलिए अब आपको यहाँ से सीधे ले चलते हैं शिवालय की ओर और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो फिर से कंटिन्यू बने रहिए और इधर बंटी बैठा हुआ है हमारे पीछे। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं शिवालय के पास और ये रही मंदिर। तो चलिए अंदर की ओर दिखाते हैं आपको और ये है पंचवटी। यहाँ प्रत्येक दिन यहाँ भंडारा किया जाता है और भंडारे में आपको खिचड़ी भोग का वितरण किया जाता है यहाँ पे। तो चलिए मंदिर के चारों ओर आपको दर्शन करवाते हैं, यानी यात्रा। ये रही माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर, यानी रजरप्पा की मेन मंदिर। तो कुछ श्रद्धालुगण दिखाई दे रहे हैं। सो गाइस अभी दोपहर के बज चुके हैं एक और काफ़ी सुहाना मौसम है। पीछे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग भी देख पा रहे होंगे जो कि यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है। धूप होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को, उसी को देखते हुए बनाया गया है इस बिल्डिंग को। देख सकते हैं ये है दामोदर नदी और कुछ नौका भी आपको दिखाई दे रही होगी जो कि यहाँ से आप बोटिंग की भी मज़ा ले सकते हैं। तो अभी दोपहर के एक बज रहे हैं और काफ़ी सुहाना मौसम है, अभी काफ़ी मस्त वातावरण है और पीछे देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड काफ़ी सन्नाटा दिखाई दे रही है अभी। और ये रही दामोदर और भैरवी नदी की संगम और अभी बरसात का सीज़न है तो काफ़ी गंदा पानी है, देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं छत के ऊपर में, देख सकते हैं काफी मस्त नज़ारा चारों ओर। और ये रही भेड़ा नदी जो कि भैरवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस आ चुके हैं फाइनली होटल के अंदर, अब चलिए कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं और बंटी फाइनली बैठ चुके हैं और गर्मी से काफ़ी बुरा हाल।
सो गाइस फाइनली गर्मा गर्म पकौड़ी आ चुकी है और बंटी फाइनली स्टार्ट भी कर चुके हैं खाना, तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं अपना। सो गाइस मिलिए हमारे छोटे सिस्टर से अनुसिया से। क्या कर रही थी? सूजी बना रही थी। हाँ छुट्टी है, छुट्टी ठीक, जा सूजी बनाओ। सो गाइस फाइनली रजरप्पा से घर की ओर निकल चुके हैं और आज का हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बट उम्मीद है कि आप लोगों को तो उतना अच्छा लगा नहीं होगा और भीड़ भी नहीं थी, इसके कारण मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा ब्लॉगिंग करने में। फिर भी चलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। और देख सकते हैं मकई ले जा रहे हैं, 2 किलो मकई मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मकई खाना, मीठा मीठा वो भी पका करके। तो टाटा बाय बाय।